और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं आरपीएस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2016 का परिणाम जारी यहां पर कर दिया गया है। 11,346 अभ्यर्थियों को सफल घोषित यहां पर किया गया है। तो एसआई की भर्ती परीक्षा जो दरअसल 2016 में संपन्न हुई थी, 2019 के अंदर परिणाम यहां पर आता है और परिणाम के दौरान यह बताया जाता है कि 11,346 अभ्यर्थियों को पास इसमें घोषित कर दिया गया है। मेरे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, 3 साल के बाद ही सही, लेकिन जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए सफल हो जाएंगे, उनको शायद आज खुशी महसूस हो रही होगी। जी विजेंद्र, निश्चित तौर पर देखिए, ये जो भर्ती परिणाम है इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बीच में जो है नए वर्गीकरण को लेकर परिणाम अटक गया था। नया वर्गीकरण जारी होने के बाद आरपीसी के कर्मचारियों ने रात दिन काम किया। देखिए, नया वर्गीकरण जो है 23 तारीख को जारी हुआ था, उसके बाद रात दिन आरपीएससी के कर्मचारियों ने जो है मेहनत की है और आज अब जो है परिणाम जारी किया गया है। तो एक लंबा इंतजार किया जा रहा था इस परिणाम का, अब ये परिणाम जारी हुआ है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके लिए जो है अब पीएचक्यू जो है अलग से जो है टाइम और टाइम टेबल तमाम चीजें जो है पीएचक्यू जारी करेगा। तो आरपीएससी के कर्मचारियों का एक बेहतरीन काम यहाँ देखने को मिला है और आज ये परिणाम जारी कर दिया गया है। अच्छा भूपेंद्र, इस दौरान जानकारी आप दे पाएंगे, क्योंकि 2016 का मामला है वैसे तो, कितने अभ्यर्थी इसमें बैठे थे जिनमें से 11,346 सफल हुए? जी देखिए, ये जो परीक्षा है जो 7-10-2018 को आयोजित हुई थी, जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2016 से शुरू हुई थी, लेकिन परीक्षा जो है 7-10-2018 को आयोजित की गई थी। लेकिन जो है नया वर्गीकरण और नया आरक्षण जो है, गुर्जर आरक्षण हो या आर्थिक आरक्षण हो, वो लागू होने के चलते ये परीक्षा जो है परिणाम, हालांकि आरपीसी ने तमाम अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन इस परिणाम को जो है नए वर्गीकरण के तहत जारी करना था। इसके बाद जब नया वर्गीकरण जारी हुआ, उसके बाद आरपीसी के तमाम जो कर्मचारी है, खासतौर से के शर्मा जो सचिव है आरपीसी के, उनके नेतृत्व में ये पूरी टीम आज जो है सुबह से लगातार इस पे लगी हुई थी और अब जो है ये परिणाम जारी किया गया है। तो एक बड़ी खबर है प्रदेश के उन बेरोजगारों के लिए और पुलिस के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि पुलिस का बेड़ा प्रदेश में काफी संख्या में कम माना जाता है। तो एक अच्छी खबर और एक पूरा बेड़ा जो है पुलिस को नए एसआई के रूप में मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक और कसौटी से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा और वो होगी शारीरिक दक्षता की। शुक्रिया भूपेंद्र।